स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ द 12th क्लास केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज सॉलिड स्टेट. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी पॉइंट डिफेक्ट के बारे में. ठीक, पॉइंट डिफेक्ट क्या है आपके पास? जब भी क्रिस्टल लैटिस में आपका कोई एटम मिसिंग होता है, ठीक, उसकी वजह से लैटिस में क्या है, इरेगुलरिटी आ जाती है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट. फिर हमने बात की थी टाइप्स. टाइप्स क्या थे? थ्री टाइप्स की थी, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में. ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है, जो क्रिस्टल लैटिस की है वो क्या है, आपकी स्टिक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है. ठीक है, वो सिमिलर रहती है. फिर स्टिक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट थे वो फर्दर क्या है, टू टाइप से शो होते हैं. एक आयोनिक में होता है, एक नॉन आयोनिक में शो होता है. ठीक है, तो जो आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी नॉन आयोनिक, उसमें क्या है, टू टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी और आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक है, वैकेंसी जब आपकी विद इन द क्रिस्टल क्या है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है लैटिस में. ठीक है, ये अराइज होता है ड्यू टू वैकेंसी ऑफ मिसिंग ऑफ आयन एटम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन द इंटरस्टिशियल साइड्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. ठीक, अब हम आज बात करेंगे नॉन सॉरी आयोनिक स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में. ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स. यहाँ पे टू टाइप्स के आपके डिफेक्ट होंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. ठीक है, अब स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल अराइजेज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम दियर नॉर्मल साइड्स. ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट्स में क्या होता है, आपके इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनायंस मिसिंग होते हैं क्रिस्टल लैटिस से. ठीक है, रिजल्टिंग इन इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनायंस वैकेंसी, मीन्स केटाइन और एनायन की क्या है, वैकेंसी इक्वल होगी. ठीक है, जितने आपके केटाइन मिस होंगे क्रिस्टल से उतने ही आपके एनायन मिस होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, अगर यहाँ पे कैटायन ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव एनायन, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, ये मान लो आप ए पॉजिटिव है. ठीक है, यहाँ से ये तो नॉर्मल है आपकी लैटिस. ठीक है, जब इसमें डिफेक्ट अराइज होता है, मिसकॉट की डिफेक्ट, तो क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, जब आपका स्कॉट की डिफेक्ट अराइज होता है तो आपका क्रिस्टल लैटिस में इक्वल नंबर ऑफ केटाइन, देखो ये केटाइन कैटाइन है मीन्स पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये क्या है, एनायन है. ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस से मिस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वैकेंसी क्रिएट होगी. ठीक है, तो ये क्या है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट, जहाँ पे आपकी इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनायन क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मिसिंग होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी साइज है कैटाइन और एनायन का, वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही होगा. ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होगा. ठीक है, एनायन पर इनका अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम साइज होगा फ्रेंकल डिफेक्ट में. ठीक है, अब क्या है आपकी डेंसिटी, डेंसिटी देखो यहाँ पे जो आपकी कैटायन और एनायन इक्वल नंबर पे आपके मिस है क्रिस्टल लैटिस से. ठीक है, फिर होल क्रिएट हो रहे हैं, तो ये होल क्रिएट हो रहे हैं मीन्स आपकी डेंसिटी इसमें क्या है, डिक्रीज होगी.
क्योंकि होल आपके क्या है, क्रिएट हो रहे हैं विद इन द क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। तो डेंसिटी भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल NaCl जो आपके आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, या फिर KCl या सीजियम क्लोराइड, ठीक, ये क्या है आपके स्कॉटकी डिफेक्ट आपका शो करते हैं, ठीक है। फिर जो आपकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी इसकी क्या है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज दी स्टेबिलिटी। और जो आपकी फ्रेंकल डिफेक्ट है वो क्या है, जिन सॉलिड्स का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सॉलिड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, शो सॉलिड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जो स्कॉटकी डिफेक्ट है आपके पास कौन शो करता है, जिनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिन सॉलिड्स का वो हाई होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, नो चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ आपके कैटाइन भी मिस है, एनायन भी मिस है, मींस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो विद इन द क्रिस्टल है वो इक्वल रहेगी, ठीक है, वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है आपका, नो चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम फ्रेंकल डिफेक्ट की, ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल अराइजेस व्हेन सम आयंस जनरली कैटायंस लीव द नॉर्मल लैटिस साइट्स एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। देखो जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, डिफेक्ट उसमें क्या होता है, जो आपकी उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, नॉर्मल लैटिस स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट जब अराइज होता है, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल लैटिस है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट से कैटायन और एनायन की वैकेंसी क्रिएट हुई। फिर अगर फ्रेंकल डिफेक्ट है तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे इस लैटिस में क्या होगा, जब आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी आपका कैटायन जो है क्रिस्टल लैटिस से, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये कैटायन आपका यहाँ से ये कैटायन था, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर डिफेक्ट आपका विद इन द क्रिस्टल अराइज होता है, ठीक है, यहाँ तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट था, इसमें तो कैटायन और एनायन विद इन द क्रिस्टल क्या है आपका मिसिंग था, ठीक है, वो क्या है आपका नॉर्मल जो साइट्स है वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे विद इन द क्रिस्टल वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, कैटायन मिसिंग है बट अपनी प्लेस से, ठीक है, वो क्या ले लेता है, इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, वो विद इन द क्रिस्टल जहाँ पे इसको वेकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे वो क्या है, अपनी पोजीशन क्रिएट करेगा, ठीक है। इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम जो ये आपकी फ्रेंकल डिफेक्ट है वो किस में शो होता है, जिंक क्लोराइड, ठीक है, AgCl, ठीक है, फिर आपका AgBr टाइप, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका एनायन का साइज कैटायन से, क्योंकि इसमें क्या चाहिए आपको, एनायंस आर बिगर साइज एज कंपेयर टू कैटायन, जो साइज है वो आपका एनायन का बिगर होगा कैटायन से, बिगर देन कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वही कंपाउंड आपके शो करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसमें क्या है आपका कैटायन और एनायन के
साइज में लार्ज डिफरेंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था आपका, स्कॉट के डिफेक्ट में तो सिमिलर टाइप का था, और यहाँ पे क्या है, लार्ज टाइप का। फिर यहाँ पे क्या है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी क्या है, अनअफेक्टेड, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो कैटायंस और एनायंस जो है वो विद इन द क्रिस्टल सेम है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वांटिटी आपकी डिक्रीज नहीं हो रही या इंक्रीज नहीं हो रही है एटम की, ठीक है, क्योंकि ये विद इन जो प्रेजेंट है पहले ही क्रिस्टल में एटम, वही क्या है, इंटरस्टिशियल साइट में आपका एटम पोजीशन ले रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो डेंसिटी है वो अनअफेक्टेड रहेगी, टोटल नंबर ऑफ जो जितना इसका मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी है उतनी ही आपकी, जितनी नॉर्मल जो आपका लैटिस था उस वही डेंसिटी इसकी फ्रेंकल डिफेक्ट के बाद में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही थी स्कॉट के डिफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, नंबर ऑफ जो आपके कैटायन और एनायंस आपके डिक्रीज हो रहे थे, मिसिंग थे, ठीक है। फिर बात करते हैं, दे शो इन सॉलिड्स विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये कहाँ पे शो होते हैं, जो आपके कंपाउंड्स जो होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायलेक्टिक कांस्टेंट। इसमें क्या है आपका, जो डायलेक्टिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटायंस का क्या है, डिसलोकेशन हो रहा है,